नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जहाँ पर मैं ले आई हूँ अपने साथ प्रियदर्शन की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी भूल भुलैया को। तो दोस्तों, ये मूवी हमारी रिलीज हुई थी 12 अक्टूबर 2007 को और ये मूवी एक रीमेक है 1993 की मलयालम मूवी मनी चित्र थजू का। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि सिद्धांत और अवनी नाम के एक अनाराई कपल यूएसए से इंडिया आते हैं और राजस्थान की एक भूतिया हवेली में रहते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उनको बिवेयर किया था इस बारे में। तो दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि इस हवेली में बहुत सारी भूतिया घटनाएँ घटने लगती हैं और यही रीज़न है दोस्तों कि ये बुलाते हैं, जो हमारे एनआरआई कपल होते हैं वो बुलाते हैं यूएसए से अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को, जिसका नाम होता है आदित्य। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी इस मूवी के कास्ट और उनके कैरेक्टर्स के बारे में। और सबसे पहले आते हैं हमारे एनआरआई कपल अवनी और सिद्धांत, जो कि शिने आहूजा और विद्या बालन जी प्ले कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे आदित्य, जो कि यूएसए वाले साइकेट्रिस्ट हैं, इनका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे अन्य एक्टर्स, जैसे कि राशिका जोशी, मनोज जोशी, परेश रावल, अस्त्रानी, अमीशा पटेल, ये सारे लोग रिलेटिव्स का रोल प्ले करते हैं उस एनआरआई कपल का। और दोस्तों, एक कॉमेडी मूवी होने के बावजूद मुझे बात बड़े दुख से कहनी पड़ रही है कि जो सबसे यूजलेस और सबसे अननेसेसरी कैरेक्टर जो है इस मूवी में, वो राजपाल यादव जी का है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, पूरी मूवी में अगर आप उनका कैरेक्टर देखेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे वो लाल मिर्च पाउडर में नहा के आए हैं, दो अगरबत्ती उनके कानों के पास जल रही होती है। तो मतलब वो कैरेक्टर बिल्कुल यूजलेस है, वो एक छोटे पंडित का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो कि उनका कोई रोल नहीं है मूवी में। तो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहूंगी उन चीज़ों पे जो मेरे को इस मूवी में पसंद आई और ना पसंद आई। और सबसे पहले आता है दोस्तों कि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो काफ़ी बोरिंग और काफ़ी स्लो है, देखने में मज़ा नहीं आता। बट जैसे अक्षय कुमार की एंट्री हो जाती है सेकेंड हाफ पार्ट में, दोस्तों मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाती है। तो मैं एक तरीके से कहूँगी कि हमारे जो अक्षय कुमार है वो इस मूवी के पावर पैक है, इस मूवी की जान है वो। दूसरे नंबर पर दोस्तों, मुझे इस मूवी के गाने काफ़ी अच्छे लगे। इस मूवी में 4 से 5 गाने हैं और 5-5 मिनट के गाने हैं, लंबे हैं लेकिन काफ़ी एंटरटेनिंग गाने हैं, आपको सुनने में मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होंगे। और दोस्तों, इस मूवी का जो म्यूज़िक है वो हमारे प्रीतम जी ने दिया है, जो कि इन इटसेल्फ काफ़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि मालामाल वीकली की तरह ये मूवी भी 100% फैमिली फ्रेंडली है, तो आप ये मूवी किसी के साथ भी देखें बेझिझक होके। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि इस मूवी में जो हमारी अवनी है, जो कि विद्या बालन जी प्ले कर रही है, उसको एक मेंटल इलनेस होती है जिसका नाम होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों, इस जो इलनेस में हमारा जो इंसान होता है उसकी मल्टीपल पर्सनालिटीज़ होती है और ये जो इंसान होता है ये मल्टीपल पर्सनालिटीज़ के बिटवीन स्विच करता रहता है। और ये जो इलनेस होती है ये हमारी चाइल्डहुड की किसी ट्रेजेडी की वजह से होती है, तो अवनी को भी ये सेम दिक्कत होती है दोस्तों। तो ये जो कंसेप्ट है इस इलनेस को इंट्रोड्यूस करने का, मुझे लगता है ये प्रियदर्शन का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, कि उन्होंने एक ऐसी ऑडियंस के सामने जो कि काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस और रिलीजियस चीजों में बिलीव रखती हैं, उन्होंने इस कंसेप्ट को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया। इट वाज अ गुड इनिशिएटिव। बट साथ ही दोस्तों, मुझे इस कंसेप्ट का जो ट्रीटमेंट था पसंद नहीं आया, कि मतलब जिस तरीके से मूवी में इस इलनेस को ट्रीट किया गया है, कि लास्ट में वो एक सीन आता है जहाँ पे मुझे एक तरीके से ऐसा लगा कि एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअली दोस्तों रियल में इस इलनेस को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। बट मैं इसके लिए भूल भुलैया को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि इट इज़ अ रीमेक, ये मूवी एक रीमेक है मलयालम मूवी की, और उस मूवी जो ओरिजिनल मूवी है उसमें भी सेम चीज़ होती है। तो वट एवर इट इज़, बट जो प्लॉट है, जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट की गई है इस कंसेप्ट की, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज़ जो मुझे इस मूवी में पसंद नहीं आई दोस्तों, वो था इस मूवी का जॉनर। तो जब मैं इनिशियली इस मूवी को देखने के लिए बैठी थी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि यार क्या कैसी मूवी होने वाली है, ये कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है, तो मुझे लगा कि इस मूवी में मज़ा आएगा, कुछ नया है। लेकिन जैसे मैं मूवी को देखने बैठी, तो ये मूवी थोड़ी सी मतलब थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन होने लगा कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूँ किसी सीन में, क्योंकि मूवी में कभी कभी ऐसा होता है एकदम से हॉरर सीन के बाद कॉमेडी सीन आ जाएगा, कॉमेडी के बाद एकदम से हॉरर आ जाएगा। तो मैं अपने आप को उस सीन को यू नो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, मेरा एक टोन ही नहीं बैठ पा रहा था उस मूवी के लिए। तो जॉनर मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा। अगर आपको हॉरर देखनी है तो आप कंप्लीटली हॉरर मूवी देखें, अगर आपको कॉमेडी देखनी है तो आप कंप्लीटली कॉमेडी देखें। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी दोस्तों, वो ये था कि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे मूवी देखने के बाद दोस्तों। तो मतलब इस मूवी में मतलब प्लॉट किस तरीके से दोस्तों, कि मतलब आप मूवी देखेंगे उसके बाद आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाएंगे कि यार इसका क्या हुआ था, उसका क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी में एक लड़की थी जिसने भूत देखा होता है बचपन में और उसकी आवाज़ चली जाती है, और मूवी में इन्होंने कुछ इस तरीके से एंड किया है कि एक्चुअली हवेली में कोई भूत नहीं होता और वो अवनी होती है जिसको एक बीमारी होती है और जो सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। तो
उन्होंने मूवी एंड में ये बताया ही नहीं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था जिसने एक्चुअली भूत देखा था, उसकी क्या स्टोरी थी, वो क्यों गूंगी हो गई. तो मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. तो दोस्तों अगर मैं इस मूवी को ओवरऑल रेट करना चाहूँ आउट ऑफ 5, तो मैं इसको रेट करूँगी 3. और वो भी इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो मूवी है ये एंटरटेनिंग है. जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी विद्या बालन, अक्षय कुमार, इतने अच्छे एक्टर्स हैं इस मूवी में, तो मूवी एंटरटेनिंग है, देखने में मज़ा आएगा. बस प्लॉट में जो थोड़े से लूप होल्स हैं उसकी वजह से आप अपने दिमाग को पॉकेट में रखिए, इस मूवी को देखिए सबके साथ और खूब मज़े उठाइए. तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मंचर मूवीज़ पर.